हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। अच्छा, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए, कल निगमा रिफाइन जेम का जो रिजल्ट आया ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड उस रिजल्ट का कारण है कॉस्टिक सोडा का जो प्राइस है ना, ये बहुत आज मतलब ऊपर है अभी। ठीक है, तो उसके वजह से देखिए, मेघमनी जो फाइन चेम है उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ ही गया है। और ये जो कंपनी मैं आपको बोल रहा हूँ, गुजरात एल्काइल्स एंड केमिकल्स, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, और करेंटली आप प्राइस देख लीजिए, ये 1013 में है। और एज ऑफ देख लीजिए, ये अप्रैल 26 12:16 PM और ऑलमोस्ट देखिए 9% ऊपर है। तो हम बीस अच्छा बिफोर दैट मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मेरा बस यहाँ पे मैं आपके साथ मेरा जो नॉलेज है, मैं वही आपके साथ, और मेरा जो नॉलेज बोल लीजिए आप, फाइंडिंग बोलिए, मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिक देखिए, इन डिटेल्स में मैंने ये सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में मैं डिस्कस किया है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि गुजरात केमिकल्स लिमिटेड एक्चुअली ये स्पेशलिटी केमिकल नहीं है, ये कमोडिटी केमिकल्स है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोस्टिक सोडा लाई, देखिए लाई वही होता है एक मतलब वो केमिकल का एक फॉर्म होता है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, लाई फ्लेक्स प्रिल्स, ठीक है, ये कॉस्टिक सोडा से बनता है। उसके बाद लिक्विड क्लोरीन, सेम वही होता है, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, ये सब ये गुजरात एल्काइल एंड केमिकल में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन तो मुझे लगता नहीं कि आपको बोलने की ज़रूरत है। ये टेक्सटाइल, पाल्प, पेपर, मतलब कुछ भी, मतलब जितना हो सकता है वहाँ पे यूज़ होता है। और ये जो कंपनी है ना, इसका जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो कॉस्टिक सोडा से ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा लाई में 21%, देन 11% इज 32%, एंड देन आप देख लीजिए ये क्लोरोमीथेन भी आ जाएगा थोड़ा, ये क्लोराइड भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, ये कॉस्टिक सोडा से ही डिराइव होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट आई कैन अश्योर यू, ये बहुत ही अच्छा आने वाला है। और डिटेल्स इसका क्या क्या है और क्या हम एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी डिस्कस करने का रीज़न ही वही है, ये इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। ठीक है, तो आया नहीं है तो आई कैन अश्योर यू कि बहुत अच्छा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, जो ये जो कंपनी है ना, इस December 2021 मतलब जो लास्ट क्वार्टर है, उसका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, तो उसको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। और ये नॉर्मल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए फॉर GACL हम चले जाएंगे कंपनी का जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन है ना वहाँ पे। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मतलब क्रिएट किया था एज ऑफ December 2021 मतलब लास्ट क्वार्टर के लिए। ठीक है, इस क्वार्टर का अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक, और इनका एक मेजर प्रोडक्ट्स मैं आपको बोल देता हूँ। हाँ, ये देखिए, इनके पास दो कम्प्लेक्स है, एक बड़ोदरा में है, एक दहेज में है। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है ये देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा ग्रुप, कॉस्टिक पोटास ग्रुप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोमीथेन्स। ये क्लोरोमीथेन्स ये हम मैंने कल भी डिस्कस किया था, वो मेघमनी फाइन चेम का, उनका भी कुछ क्लोरोमीथेन का प्लांट लग रहा है। ठीक है, अब दहेज में भी देखिए, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अच्छा स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, ये भी कुछ कॉस्टिक सोडा ग्रुप का ही आ जाता है। ठीक है, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कंपनी क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए कॉस्टिक सोडा का जो करेंट प्राइस है ना, ये बहुत ऊपर है। और इसके वजह से देखिएगा कि मेघमनी ऑर्गेनिक्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है आया है। तो इसका तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके वजह से आप देख लीजिए, आज का जो ये इनका शेयर प्राइस है ना, ये बहुत ऊपर है। ठीक है, और एक चीज़ है, ये तो जनरली ये कमोडिटी कंपनी है, लेकिन आप मान लीजिए मतलब
कॉस्टिक प्राइस गिर गया या बढ़ जाएगा उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अभी क्या है, कॉस्टिक प्राइस का जो कॉस्टिक सोडा का जो प्राइस है बहुत ऊपर है, इसलिए आप देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलिए या प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट, ये सब बहुत ऊपर आ जाएगा, इसका रेवेन्यू भी बहुत ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये साइकिल कब तक स्टे करेगा वो मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए वो साइकिल कब टूट जाता है, मतलब कॉस्टिक सोडा का जो प्राइस है ना वो गिर जाता है, तो इस कंपनी का खराब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, और ये करेंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर फ्यूचर। मान लीजिए इन फ्यूचर कॉस्टिक सोडा का जो प्राइस है बहुत नीचे गिर जाता है, उसके बाद ऊपर आना स्टार्ट होता है, तो दो कंपनी बेनिफिट हुआ उसके वजह से। फर्स्ट है मेगमनी फाइंच है, और उसके बाद है गुजरात अल्काली केमिकल लिमिटेड, ये GACL। ठीक है, और एक चीज़ है, इन लोगों का कुछ एक्सपेंशन प्लान है, मैं आपको बस नीचे दिखा रहा हूँ, ये नीचे ही है। हाँ, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या, हाँ, इधर 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 देखिए, ये देखिए कॉस्टिक सोडा एक्सपेंशन एट दहेज, ये 525। अच्छा, TPD मैंने बहुत गूगल में ढूंढने की कोशिश किया, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, और मुझे केमिकल इंडस्ट्री में उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है ये सब टर्म, तो आप ये सोच लीजिए ये कुछ मतलब मेजरिंग यूनिट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 kg मतलब 1 kg किलोग्राम, तो ये वही होगा शायद, TPD कुछ होगा केमिकल टर्म में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बस ट्रैक करने के लिए होता है और नथिंग एल्स। ओके।